उसके मॉडल सेट कर दिया जाए। अच्छा, अभी बर्बरी तो लोग कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली करके दिया जाए और उसको रेप्लिकेट करें, लोग करें उसकी कॉपी। हम कंप्यूटर नहीं, कंपेनियन है। कहाँ पेपर कीजिएगा? शॉपर रोड है नी, शॉपर रोड, शॉपर रोड, उसमें होम डिलीवरी है। अच्छा, शॉप पे सेल नहीं है। ठीक है, वो आप वहाँ रजिस्टर करवा दें अपना एड्रेस वगैरह। डेफिनेट, ठीक, होम डिलीवरी है। उसके बाद पहले मिल्क स्टॉल है और मिल्क के बाद में आपकी मिर्च हो, हल्दी हो या कोई भी जो आइटम है ना, लेकिन नेचुरल करेंगे, प्रोसेस फूड नहीं करेंगे। बहुत बड़ी खिदमत है जी, इंटरव्यू और दूसरी भी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी सर्विस है। अक्सर ये मेरे लोगों को खाने के लिए चीजें सफाई से नहीं मिलती हैं और मिलावट का बड़ा मसला है। तो हमने कहा चलो यार एक मॉडल सेट कर दिया जाए। अच्छा, एक उधर पिंडी की प्रिंसिपल है, फ्रीदा नाम उनका। अच्छा, आप लोगों की बहन का कौन ख्याल करेगा? पिंडी में तो उनकी मिलता है, बना रहा था, ट्रेनिंग कर रहे थे। नवाज साहब नवाज है, कैसे हैं? खरीद सामने चौधरी साहब जी, बिल्कुल सबके चुनाव पर दो घंटे सर क्या ये के मैनेजर है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू आल्सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महाना नशिस्त नबी करीम सल्लम के उस्वाए हसना की रहनुमाई के सिलसिला में 64वीं है। उसका बाकायदा आगाज हम अल्लाह पाक के कलाम से करते हैं। तो मैं बरादर दिल नवाज से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तलाव से कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإلى البحار فجرت وإلى القبور بعثرت إلى السماء انفطرت وإلى الكواكب انتثرت وإلى يا أيها الإنسان ما
चुदे है आग
हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशन जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल, शगुफ्ता गुलशन जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। हमारे आज के मरकज मेहमान जनाब चौधरी मुनीर अहमद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लें। इफ्तिताही कलमात के लिए मैं ब्रदर से जा से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इफ्तिताही कलमात पेश करें। बुनियादी मकसद यह है कि मैक्सिमम दोस्त आ जाए और जो सबकी हालत सुनने का मौका मिलती है, और दूसरा ये है कि आज जो दोस्त आपके साथ नाते चुन पुल सत्संग पढ़ रहे थे, आज के मौजू जो हमने इख्तियार किया है इस्लामी निजामी मईशत का अहिजा, इसमें अगरचे ख्यालात डिजायर ड्रीम आइडिया बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसको इनिशिएटिव देने में मोटिवेट करने में इन्होंने कह लें कि एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। इनसे मैं इजहार कर रहा था, कह लेंगे यार आप हिम्मत करो, डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा होगा। भाई अल्लाह तआला इस पर रहमत करे। मैं आवाज इस बात से करता हूं, बचपन में जब थोड़ा सा सूर भी पैदा हुई बचपन में जब सूझ बूझ पैदा हुई और जो चीजें किताबों में पढ़नी शुरू की वो जिंदगी में मिलती नहीं थी, जब उनके लिए डिजायर तड़पाने लगी और उसके लिए ख्याल के अंदर तसव्वुर डेवलप होने लगे, तो घर से और बाहर से शेख चिल्ली और पागल के खिताब मुझे मिले और मेरे जिन्न करवाने के लिए पीरों के पास ले जाया जाता था और मुझे छुटवाया जाता था। मेरी वो इस तरह पर बेचैन इस तरह चलती रही है। उसमें फिर रफ्ता रफ्ता चीजें जैसे जैसे मुख्त दोस्त अखबार मिलते गए और गाइडेंस प्रदान भी मिलती गई और चीजें को आगे ले जाने की कोशिश रही है। मैं आज के मौजूद पे आता हूं इंशाल्लाह। इसमें जो मेरी और आपकी नस्बत है जिसपे आज न्यू लाइफ स्टाइल में
नाफिल स्विमिंग पूल पड़ी और दिलों को दस्तक देते दर्द के साथ ये बात की और अक्सर लोगों की आंखें बैठ हुई। इशू यह है कि इस मुआशरे में बहुत खैर है और ज्यादा खैर है, शर शर की जो दस्त है ना ऊपर पड़ी हुई है उसको सिर्फ एफर्ट करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। सूरज के आगे अगर बादल आ गया है तो हटेगा तो सूरज की रोशनी मिलेगी, उसके असरात आएंगे। हम नुमाइंदे हैं अल्लाह पर ईमान रखने वालों में, बिलीवर में से हैं, हातम उन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं। बुनियादी जो चीज महसूस होती है ना, हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं ना, खुद ही ठीक होना चाहते हैं। अगर अगर हर इंसान जो जहां बैठा हुआ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना शुरू कर दे, उससे दूसरों के हकूक भी अदा होंगे और मुआशरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जबकि हम दूसरों को ठीक करने के चक्कर की बजाय अपनी जिम्मेदारी पे आ जाए, हकूक नहीं मुआशरे फ्राइज से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेहतर होते हैं। इसी एहसास से हम लोगों ने तो तेरे कार के सफर के ऊपर कुछ ऐसा काम किया और दोस्त कहते थे यार ऐसे साइकिल से बैठे तू कि साइकिल अब पिया हूं चलाना है, पसीना जब खूब आता है आगे बढ़ता हो। आप मेंटली तौर पे इस एहसास में मैं कुछ कह रहा हूं जबकि प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। मैंने कहा आपका सवर है मुझे जो महसूस होता मैं कह जाता हूं। ये एक अमली कोशिश हमने डिसाइड की और इसकी कि हम लोग प्रैक्टिकली अगर किसी सलाहियत के मालिक हैं तो उसकी इनपुट देनी चाहिए। अपनी सांसें बंद होने से पहले अपने अपने अंदर के इंसान को जगाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने किन सलाहियतों से हमें मुजैन करके भेजा है, वो अंदर ही दफन हो जानी है या उसको मुआशरे को हम लोगों ने कुछ देना है। उसी एहसास से कुछ काम हमने कोशिश की अपने तौर पर करने की और आज जिस पे इंशाल्लाह चौधरी मुनीर साहब आपसे तफसील से रोशनी डालेंगे उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये तय किया कि हम अपनी सोसाइटी में अपने मुआशरे में जो हमारी दरक्षा रवायात थी जो मालूम हो चुकी हैं आज जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आती हैं, चाहे वो झूठ का कल्चर जो हमारे अंदर कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं है, चाहे मिलावट का मामला है, धोखा देने का मामला है, तो इसके लिए कुछ अलग से एक ऐसी नर्सरी बनाने की कोशिश की जाए, एक मॉडल सेट करने की कोशिश की जाए, एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जाए जिसको लोग कॉपी करें, इसकी लोग नकल करें। और उसी एफर्ट के सिलसिले में हमने एक फूड का प्रोजेक्ट शुरू करवाया और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मौका मिला, बुलाया इतना वायरस कौन होगा, ये पुराना काम कैसे होगा। मैंने कहा यार मसला यह है कि पहले इसकी कंडीशन यह है कि ये रफाई काम होगा, लेकिन रफाई क्योंकि हमारे मुआशरे में काम चलते नहीं है एज ए प्रिंसिपल, इसको हम कमर्शियल करेंगे लेकिन इसकी अगर कोई ग्रेजुअली इनकम जनरेट होगी वो सोसाइटी में लग जाएगी। और इसमें हमने शुक्रगुजार है डेवलप्स जो लाइफ स्टॉक है लाइफ में रहते करे कि ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में आए। 1122 तो है, हर बंदे भी पता है किस तरह का दारा है, अल्लाह उसकी माँ उनकी माओ पे भी रहने लगे रहती है 1122 वालों की, कि और दारों में भी बड़े बड़े कीमती लोग हैं। सिर्फ ये उनसे रबते की कोशिश करनी चाहिए, उनसे उनको अच्छे लोगों को ब्रिज हो जाना चाहिए। अच्छे लोग अगर ब्रिज होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, किसी की तकलीफ का बायस बनेंगे तो मेरा अगर कांटों पत्थरों में कमी करेंगे तो जिंदगी अपने लिए भी आसान हो जाएगी और आने वाली नस्लों के लिए भी यकीन बेहतर होगी। अपनी जिम्मेदारियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हर फर्द को करना चाहिए, हर फर्द को अपनी सलाहियतों को लगाना चाहिए। पर थोड़े से जो हमसे एहसास शेयर करना था, बाकी मैं डेफिनेट चाहूंगा कि हमारे जो डी ओर लाइव स्टॉक है इनसे जरूर आप मौजूद की मुनासिब जरूर बात करें। ये जो हमने इस प्रोजेक्ट के वाले से आपसे पूरी इनिशिएटिव आपने दिए फिर आगे जो सबका लेक्चर आ जाए फिर आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा चंद मिनट के बिस्मिल्लाह तो ऐसा साहब ने खांसी बारत भी करवा दिया और दूर भी कर दी। तो मेन जो इसमें हमारा जो दूध का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है, बेसिकली आजकल बड़ा शोर है मिलावट का, तो मिलावट बड़ी आम हो गई है दूध में। तो हमारी कोशिश हमने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए कि एक ऐसा पॉइंट सियालकोट में बन जाए जहां से सारे लोग कोई भी बंदा अगर गारंटेड वो खालस दूध चाहे उसको अवेलेबल कर दिया जाए। तो इसमें जी हमने जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है फार्मर्स को इसमें इन्वॉल्व किया है और
डायरेक्ट जो कंज्यूमर है उसके घर तक जो है वो दूध पहुंचेगा। तो जो फार्मर है उसको हम मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहते हैं रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द मिल्क, वो जो बेसिक प्राइस ले रहे, और जो कंज्यूमर है उसको खालस दूध ले, ताकि आप सब जानते हैं कि दूध एक मुकम्मल बजा है। और इवन इसका जिक्र पुराने पाक में भी अल्लाह ताला ने बतौर मुकम्मल गजा के किया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल है, प्रोटीन शामिल है, इसमें फैट शामिल है, मिनरल्स शामिल है। तो मिनरल्स की अहमियत आप सबको पता है कि अगर ये पूरे नहीं होंगे बॉडी में तो कभी भी बॉडी फिट नहीं रह सकती। तो इस तरह अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि जिंदगी क्या है, अनासर में जबूरे तरतीब, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो जब इसका बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारी सेहत जो है वो डेफिनेटली वो अपसेट रहेगी। तो एक ये कोशिश है और एक मॉडल हम छोटा सा इसको डिजाइन भी किया है और इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि इस नियत से ये काम शुरू किया गया है और अल्लाह की ज़ात इसमें हमारी मदद करेगी और हम इसमें सक्सेसफुल रहेंगे इंशाल्लाह। और ये मॉडल जो है इंशाल्लाह रेप्लीकेट भी होगा डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। इसी तरह का एक मॉडल हमने नौरवाद में भी शुरू करवाया, वहां से भी दूध जो है वो लाहौर जाना शुरू हो गया है, और वो जहां पर दूध जा रहा है वो शख्सियत जो है वो चैरिटी कर रही है टूवर्ड द हॉस्पिटल, और मरीजों को खालस दूध जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो गया है। दो मॉडल अभी तक हमने बनाए हैं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा और इसको हम मजीद रेप्लीकेट करेंगे। आपके तावन की भी जरूरत है और आपकी दुआओं की भी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। इस पर हम ये कहने वाली कि लाजपा डिपार्टमेंट के लिए जहां भी जरूरत होगी, कहीं ट्रेनिंग की जरूरत होगी फार्मर्स की, कहीं किसी जगह पर कोई टेक्निकल असिस्टेंस किसी भी किस्म की, इसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए जो हमारी जो जरूरत होगी जहां पे भी, वो भी हम लाजपा डिपार्टमेंट जो है वो हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम अपने आज के मौजूद की तरफ आते हैं। आज का हमारा मौजू है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस्लामी मुआशी निज़ाम का अहया। इसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब चौधरी मुनीर अहमद साहब, साबिक चीफ मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ सियालकोट और लाहौर, जनाब चौधरी मुनीर अहमद साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ सियालकोट के हरियाणा का दी एलीट ऑफ सियालकोट, इस मौसम में सर्दी के इस मौसम में जब बिस्तर इतना गर्म हो और उससे असद इजाज का बैनर लगा हुआ हो कि ये एक लेक्चर है, तो बड़ी ये एप्रिशिएबल चीज है कि अपना वो कोजी बिस्तर छोड़ के आप यहां तशरीफ लाए। दूसरा, मैं जब आज आ रहा था लाहौर से, मैं सोच रहा था कि टॉपिक तो ये है इस्लामी मुआशी निज़ाम का अहया, लेकिन मैं एक और बात करना चाहता था। मैं इस फोरम का शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि इस फोरम पर एक लेक्चर हुआ था जो रिपीट हुआ लाहौर में, और जब यहां भी लेक्चर हुआ था तो एक नई बात मैंने मुझे खता हुई थी मिली थी कि टॉपिक था कि ये दौर अपने बलातीन की धोखा की तलाश में है, शर्म लगा है जहां लाए रहा है। तो सवाल ये हुआ था कि आज ब्राहिम को कहां तलाश करें, और ये मुझसे सवाल हुआ था कि ये बताए स्पेसिफिकली कि अलामा साहब ने जो कहा है कि ये दौर अपने ब्राहिम की तलाश में है, हम कहां तलाश करें। और सच्ची बात है मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता कि कहां तलाश करें। जो मुझे जवाब मिला वो ये था कि
कि आज हम इब्राहिम को अपने सीनों में तलाश करें, गरीबानों में तलाश करें, क्योंकि जाहरी बुतप्रस्ती तो नहीं है लेकिन जो अंदरूनी बुतप्रस्ती है, जिसे रामा साहब ने एक और शेर में कहा था कि इब्राहिमी नजर पैदा मगर बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। ये यहां बड़ा अप्रिशिएट हुआ, पिछले हफ्ते लाहौर में दबस्ताने इकबाल में मुझे टॉपिक यही था कि आज के दौर में इब्राहिम को कहां तलाश करें। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको ऐसे अंदाज में पेश करूं कि इसका इम्पैक्ट आए। तो वहां जो मैंने थोड़ी सी बात की वो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं, सोचता आ रहा था कि टॉपिक तो मेरा और है, लेकिन जो मैंने ना सुनी है माशाल्लाह डीओ साहब से कि हम तलाश कर रहे हैं, जस्तजू कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं एक ही चीज की, तलाश रसूल, जस्तजू रसूल, आरजू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं चाहता हूं मैं जरूर आपसे शेयर करूं, मुझे इसकी इजाजत दे, टॉपिक पे रहा है। बात क्या हुई? बात यह थी कि आज हमारे पास ना इलम की बड़ी परवानी है और डिबेट बहुत ज्यादा है, हम हर चीज पर बहस करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे 24 से ज्यादा चैनल्स पर डिबेट हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोई मानता नहीं। अगर आज मैं अभी यहां आपसे बहस छेड़ दूं, मानेगा कोई नहीं, हमारे पास इतने आर्गूमेंट्स हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी कोई बात वहां मुझे नसीब हो जाए, मेरे मुंह से निकल जाए, मेरे दिल में आ जाए। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया अलामा साहब की जो शेर है, एक मुझे शेर मिल गया फारसी का और मेरा मसला हल हो गया, क्योंकि जो ये अलामा साहब की गजरस में भी खुद भी जवाब दिया हुआ कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये शेर मैंने पहले ही पढ़ा था, लेकिन जो मुझे शेर फारसी में मिला उसका ये तर्जमा ये था कि फारसी का शेर भी पेश कर देता हूं कि बा मुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हम उवस, अगर बहू न रसीदी तमाम बोल भी है। मैंने जब सारा वाहि रहा वाले जबरी पर वाले हजाज देखी, मैं मुझ पर एक चीज खुली कि हम अक्सर अबू जहल को बुरा भला कहते हैं दुश्मनी रसूल के रेफरेंस से, लेकिन आप ये खुद भी ढूंढ लें या सुन के हैरान होंगे कि अलामा साहब ने जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है वहां बूल लहबी की बात की, और यहां भी कहते हैं कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाओ कि दीन सारा वही है कि दीन हमारा, और अगर वक्त न रसीदी अगर ना पहुंच सके तो तमाम बुलहबी है कि सारी बुलहबी है और बुलहब के बारे में कुरान का फैसला आ गया। इस पर मैंने बोला कि ये अलामा साहब ने इस सारा मुकाबला ये क्यों किया। तो मुझे जो बात नजर आई मिली कि जब आपने पहली मीटिंग बुलाई थी तो उसमें इनकार किसने किया था बुलहब ने, कि इसीलिए बुलाया था हमें नतीजे इसी बात के लिए बुलाया था। तो वहां मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके सामने ऐसी बात पेश करूं जिस पर बहस न हो, आप अपना फैसला करो, मैं आपकी बात को दुरुस्त करता हूं और खत्म करता हूं। तो वहां होता ही है कि लेक्चर होता है एक घंटे का, फिर बहुत सवाल जवाब होते हैं। तो मैंने कहा कि आज आप ये फैसला कर लेंगे, आपको एक वजीफा 2 मिनट का है, रात को सोने से पहले ये देख लें कि आज का जो दिन है जो आपने गुजारा है उसकी निस्बत आपकी किससे मिली, क्योंकि रामा साहब का ये भी कहना है कि ये आजमाइश जो हजरत इब्राहिम की थी वो रंग बदल के शक्लें बदल के हमारी आज भी आजमाइश है। और उनका एक शेर है, आग है उड़ाते इब्राहिम है नमरूद है, आग है उड़ाते इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मखसूस है?
ये इम्तिहान होता रहता है। तो मैंने कहा आज ये इम्तिहान हो रहा है, आज हम क्या करें ये सोच लें, आज निस्बत किससे मिली। अगर हमारे सारे दिन के जो हमारी एक्टिविटीज हैं, मामलात हैं, लेन देन है, किससे निस्बत मिली, अगर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गई तो ये एक बशारत है, और अगर खुदा ना खास्ता अबू लहब से मिल गई तो फिर कुरान का फैसला आ गया। यही मैंने बात खत्म कर दी, और मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मुझे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, हालांकि वहां आधा घंटा सवाल होते हैं। तो मैंने कहा यह आपका अपना फैसला, इसमें कोई बहस नहीं है, आपने निस्बत किससे जोड़नी है ये आपका अपना फैसला है, और कुरान ने फैसला कर दिया अगर तो निस्बत नबी पाक से मिलेगी तो बशारत है। और फिर भी देखिए इलामा साहब हमें कहां कहां बताते हैं, क्या बंदा है मोहम्मद तू बशीरी तू नजीरी, ये वो बशारत है और उसमें नजीरी है। तो मैंने कहा था मैं ये आप तक शेयर कर दूं, मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, एक्स्ट्रा बात कर ली, अब मैं आपसे मकसद की तरफ आता हूं। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक आज का जो है कि इस्लामी मुआशी निजाम का एहतियाम, अमली तौर पर एहतियाम, उसका आगाज किया जाए। क्योंकि मेरा मजमून बैंकिंग का, मेरा प्रोफेशन बैंकिंग का, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बैंकिंग के आखिरी सालों में मुझे इसकी समझ आई, और मैं कोशिश में रहता हूं कि किसी तरह उस निजाम को ढूंढूं और फिर आपके सामने पेश करूं। फिर ये इंटर फोन का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां से मुझे इस प्लेटफॉर्म से बहुत मौका मिला। चार चीजें मैं करूंगा आपके सामने पेश, और वो सारी अमली होंगे प्रैक्टिकली। उसमें ये नहीं बोलता कि वी शुड डू दिस, वी शैल डू दिस, वो इसका आगाज हो चुका है। थोड़ा पहले एक इस्लामी निजाम का खाका पेश करूंगा, वो इस्लामी निजाम जो 400 साल तक दुनिया में नाफज रहा, सातवीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक एक इस्लामी मुआशी निजाम और इस्लामी तहजीब पूरी दुनिया में डोमिनेंट रही, इसके बारे में बेतहाशा बुक्स हैं, ये कोई मेरा जज्बाती ध्यान नहीं। वो क्या था, व्हाट वाज दैट सिस्टम, आपकी कुछ आपके सामने पेश करूंगा कि वो निजाम क्या था, और उसके बाद जो भी बातें हुई हैं असद इजाज ने की और जो साहब ने फिर आगे इसको एक्सटेंड किया, एक आगाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह सियाकोट से। वो क्या आगाज जो असद इजाज साहब ने किया है, तीसरा हिस्सा होगा कि उसको आगे हम कैसे फैलाएं, कैसे उसको एक्सटेंड करें, उसका रोड मैप क्या होगा, और चौथे हिस्से में ये है कि उसके ओनर्स कौन होंगे, उसमें कौन से डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, और कैसे हम उसको एक सक्सेस स्टोरी ऑफ इस्लामिक ट्रेड बना के दूसरों के सामने हम पेश कर सकते हैं। चार हिस्सों में बात करूंगा, अबाउट 40-45 मिनट, फिर आप सवाल करो। पहला हिस्सा वो इस्लामी निजाम जो हमारे आंखों में है, जो पूरी दुनिया में 400 साल तक नाफिज रहा, उसके बारे में एक बुनियादी सवाल है। उस दौर में ना बैंक थे ना सूद था, ना बैंक मशरक में थे ना बैंक मगरब में थे, तो उस वो निजाम क्या था, उस निजाम के चलाने वाले कौन थे। जो तारीख में जो चीजें महफूज हैं, उस निजाम के चलाने वाले ताजर थे। बिजनेस सेक्टर सारा इस्लामी मुआशी निजाम, अर्ज किया कि न सिर्फ इस्लामी हुकूमत में पूरी दुनिया में डोमिनेट रहा, उसके चलाने वाले ताजर थे।